क्या आप इन पिक्चर्स को पढ़ पा रहे हैं? यस हाँ जी। और अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना? यस धुंधलापन। सोचिए अगर आपको इस धुंधलेपन के साथ जिंदगी भर जीना पड़े तो तकलीफ हो। दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग इसी धुंधलेपन के साथ जी रहे हैं। इस प्रॉब्लम को एम्ब्लायोपिया या लेजी आई कहते हैं, जिससे चश्मे के बाद भी धुंधला दिखता है। इन्हीं 30 करोड़ में से एक मेरा भाई है जिसे एम्ब्लायोपिया था। उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने काफी डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। था तो सिर्फ एक आई पैच, और ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तभी मैं ऑप्टोमेट्री कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका कोई सॉल्यूशन निकालूं। तो मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ बनाया क्योर सी। मैं हूं पुनीत। मैं हूं जतिन कौशिक। और मैं हूं ऑप्टोमेट्रिस्ट अमित साहनी। क्योर सी है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड विजन थेरेपी वेबसाइट, जो कि 3 विजन प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है। पहला एम्ब्लायोपिया या लेजी आई, यानी चश्मे के साथ भी देखने में धुंधलापन। दूसरा स्क्विंट आई, यानी तिरछी नजर। और तीसरा कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, यानी किसी चीज पे फोकस करने में मुश्किल होना। इन 3 प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने घर बैठे हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो और वहां से फ्री आई स्क्रीनिंग ले सकते हो, जिसके बाद हमारे AI द्वारा सजेस्टेड विजन थेरेपी एक्सरसाइजेस आप अपने घर बैठे कर पाओगे। और इसके 1 से 2 महीने के यूसेज के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योरसी अलग अलग रिसर्चेस में ट्राइड, टेस्टेड और प्रूवन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अवार्डेड और सपोर्टेड है। और अब तक हम शार्क्स 2,500 से ज्यादा पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं, या ये बोले उनको एक नई विजन दे चुके हैं। आपकी मदद से हम क्योरसी को विश्व के हर एक पेशेंट तक लेकर जाना चाहते हैं और इसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो शार्क्स, आज हम यहाँ आपसे लेने आए हैं 40 लाख के इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। पुनीत, जतिन, अमित, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। हाय सर। तो तुम्हारी बचपन की कहानी तुम तीनों दोस्तों की है। दोस्ती बट कहीं से तो स्टार्ट हुई होती है, कॉलेज से, स्कूल से। कहाँ से स्टार्ट हुई? मैं और जतिन हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। ये हमारे इंडस्ट्री फ्रेंड है। जब मैं अपना ऑप्टोमेट्रिक करियर में था, तब मैं अमित सर से मिला, तो मुझे पता चला कि इस फील्ड के अंदर हम काफी इंपैक्ट दे सकते हैं। आप एक्चुअल डॉक्टर हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट। डॉक्टर कैन डू सर्जरी, ऑप्टोमेट्रिस्ट कैन डू आई टेस्टिंग एंड अदर डायग्नोस्टिक्स। ओके। जतिन के ब्रदर को ये प्रॉब्लम थी, तो जतिन ने पुनीत से बात करी और फिर पुनीत ने मुझसे पूछा कि इसके लिए क्या एग्जिस्टिंग है। तो मैंने बोला पुराने मॉड्यूल्स कुछ हैं, और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि पेशेंट को रोज एक अपने प्रैक्टिशनर के पास या आई हॉस्पिटल में जाना पड़ता था और वहाँ पे थेरेपी लेनी पड़ती थी। कोविड के टाइम पे बार बार हॉस्पिटल जाना पॉसिबल ही नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको रेवोल्यूशनाइज करके डिजिटलाइज कर दिया जाए, सो दैट पेशेंट इसका बेनिफिट अपने घर बैठे ले सके। कोविड का टाइम आपने बोला ये मतलब अभी शुरू हुआ है क्या? लेटेस्ट 2019 के सितंबर में हमने शुरू किया था। तब से हम कंटिन्यूअस इनोवेशन करते करते कोविड टाइम को भी हमने यूटिलाइज किया अपना सेकंड वर्जन लाने के लिए, जिसके साथ अभी हम वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट एफिकेसी और सबसे एडवांस्ड विजन थेरेपी सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। आप कैसे क्लेम करते हैं एफिकेसी? सर, हमारी रिसर्चेस पब्लिश्ड हैं और ऑलरेडी 2 और रिसर्चेस अंडरगोइंग हैं इन एम्स, जो इंडिया का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। उसके अंदर भी काफी अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले जो अभी पब्लिश होने वाले। आप एक बार एक डेमो दे दीजिए, आई थिंक सबसे लिए इजी रहेगा। आप बहुत सवाल पूछ रहे हैं, आप गलत इंसान को बुला रहे हैं। नहीं नहीं, क्यों गलत क्यों है? मेरे को पता है, थोड़ा मुझे पता है, अगर इन्होंने प्रूफ कर दिया तो बाकी सब प्रूफ कर ही देंगे। ये चश्मा एक्सरसाइज के लिए है? जी सर। तो करमचंद लग रहा है भाई। करमचंद नहीं, मैट्रिक्स लग रहा है यार। थेरेपी के दौरान जो हम ग्लासेस को यूज करते हैं उन्हें एनाग्लिफ ग्लासेस कहा जाता है, जिसमें एक तरफ रेड लेंस है, एक तरफ ब्लू। इससे होता यह है कि हमारी दोनों आईज को अलग अलग इमेजेस मिलेंगी ताकि सेपरेट स्टिमुलस दे सके। हाँ जी। तो सबसे पहले पीयूष, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज रैंडम ऑब्स्टेकल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमें
ये जो ऑब्स्टेकल्स रेड और ब्लू में आ रहे हैं इन्हें अवॉइड करना है। आप स्पेस की हेल्प से इस बॉल को जंप कर सकते हैं। वो सारा डेटा जो ये जंप नहीं कर पाए हैं वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है और एक्सरसाइज के एंड में एक रिपोर्ट आएगी जो बताएगी कि इन्होंने कितना एफिशिएंटली किया। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो बाइनोकुलर है, दोनों आंखों से की जाती है, पर इसके अंदर ये ग्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इन्हें गैबर पैचेस कहा जाता है। हमें तीन एक जैसे पैटर्न्स को अलाइन करना है एक साथ, जिसको करने से हमारे जो विजुअल कॉर्टिकल न्यूरॉन्स है डायरेक्ट उनको स्टिमुलस मिलता है। ये कलर विजन टेस्टिंग है जहाँ पर ये जो नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं वो हमें एंटर करने या सेलेक्ट करने हैं। तो ऐसे गेम्स एक घंटा रोज खेलने हैं राइट? ऐसे अलग अलग गेम्स एआई अपने आप डिसाइड करके आपको रोजाना 6 अलग गेम्स देगा, ताकि ना तो पेशेंट बोर हो और अगर वो सही परफॉर्म करता है उतना ही वो उसको डिफिकल्ट बनाता जाएगा। तो कलर आप देख पा रहे हैं रेड और ब्लू, इसके साथ वही रेड एंड ब्लू ग्लासेस का हम यूज करेंगे और इसको मिनिमम पर सेट करेंगे, सबसे हल्के लेवल पे जहाँ पर ये कलर दिख पा रहे हैं हम। जैसे दिखना शुरू हो जाए वहीं हमें स्टॉप करना है और वी कैन स्टार्ट द टेस्ट। अब यहाँ पर आपको दो अलग अलग कलर्स आ रहे हैं और हम विजुअल एक्विटी भी मेजर कर रहे हैं, मतलब हम राइट और लेफ्ट आई दोनों को अलग अलग नाप रहे हैं। ये फोरिया का टेस्ट है आपका स्क्विंट को मेजर करने के लिए। यहाँ पर हमें इसको अलाइन करना है, एक लाइन में लेकर के आना है ग्लासेस लगाकर। समझ गए, हम लोग मिल चुके हैं पहले। हाँ जी सर, शायद एक बार, और आप अमित से मिले, मेरे को-फाउंडर से ज्यादा आए थे। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था। आप दोनों भी ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, पुनीत और जतिन? सर मैं और पुनीत ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और जतिन वेब इंजीनियर है। अच्छा, I am electronics and communications. तो ये पूरा जो टेक्नोलॉजी इंटरफेस है ये आपने बनाया है? यस सर। ये जो थेरेपी है ये किसी भी एज में दे सकते हैं? हाँ जी सर, ये किसी भी एज में आप तो इक्वली इफेक्टिव होगी। पर इसमें जैसे अगर किसी को स्क्विंट है फॉर एग्जांपल, और अब वो 35 इयर्स का है और अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो सर्जरी करा लो या एक्सरसाइज कर लो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ये एक्सरसाइज करे और कितने दिन करे कि उसका स्क्विंट ठीक हो जाए, और किस लेवल का स्क्विंट ठीक हो सकता है? यदि वो स्क्विंट एम्ब्लायोपिया के साथ है, एम्ब्लायोपिया की वजह से है, उस केस में हम स्क्विंट को भी फुली रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ मसल डिसऑर्डर की वजह से है तब सर्जरी ही एक बेटर ऑप्शन होता है। ये प्रोडक्ट की एप्लीकेशन आपने खाली 2500 लोगों में बेचा है आपने बोला है, तो ये बिजनेस कैसे है? हाँ, रेवेन्यू मॉडल बताइए। 12 to 18,000 चार्ज किया जाता है फॉर 3 months एंड 6 months सब्सक्रिप्शन। हम सॉफ्टवेयर एज अ सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स के द्वारा। ठीक है, मंथली रेवेन्यू कितना है B2B? लास्ट मंथ का हमारा रेवेन्यू था 2.64 लाख। B2C 15 अगस्त के करीब ही हमने लॉन्च किया है, तो बिकॉज हमें बहुत क्वेरीज आती थी गल्फ कंट्रीज से कि वो भी इनरोल होना चाहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक B2C मॉडल भी साथ में खड़ा किया जाए जो इंटरनेशनल पेशेंट्स इजीली उसको अवेल कर सके, ज्यादा पैसे भी मिले। अगर इतना मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट है right. तो किसी VC या फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, उन्होंने अब तक आप में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? मैम, हम सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं चाहते, हम चाहते हैं उन लोगों के साथ जुड़ना जिनका एक विजन हो। ये आपने बहुत सही किया। मेरे को आप थोड़ा समझाइए, ये 2.64 लाख जो आपका रेवेन्यू है जी सर, ये इसका ब्रेकअप समझाइए, पर मंथ रेवेन्यू है? ये पर मंथ रेवेन्यू है। तो आप 18,000 रुपए 6 महीने के लेते हैं, उसमें से कितने पैसे डॉक्टर को देते हैं? सर 18,000 हम डॉक्टर्स को चार्ज करते हैं और हम डॉक्टर्स पे कैप नहीं करते, तो डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से इसके ऊपर अपना मार्कअप रखते हैं, वो हॉस्पिटल का चांस। कितने पेशेंट्स आपकी सर्विस यूज कर रहे हैं एज ऑफ टुडे? सर 310 के आसपास वो पेशेंट्स हैं जो अभी भी ये थेरेपी कर रहे होंगे।